हेलो, मैं सर डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है किडनी इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसका कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर किडनी इन्फेक्शन क्या होता है। किडनी इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है और ये एक टाइप का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मतलब कि यूटीआई, जो ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा से शुरू होता है और किडनी तक ट्रैवल करता है। किडनी इन्फेक्शन को हमेशा एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराते तो परमानेंटली आपका किडनी डैमेज हो सकता है या फिर कई बार जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर जाते हैं, जिसके वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को किडनी इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो सबसे पहले पर्सन को फीवर आने लग जाता है, उन्हें चिल्स फील होता है, मतलब उन्हें ठंड लगने लग जाती है। इसके अलावा ऐसे देखा जाता है कि उस पर्सन को बैक पेन भी हो सकता है या फिर ग्रोइन में पेन भी हो सकता है, मतलब झांगों में दर्द होना। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उन्हें बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है। इसके अलावा उन्हें यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन भी आ सकता है। इसके अलावा नौजिया वॉमिटिंग भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि यूरिन में पस सेल्स या फिर ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, जिसके वजह से यूरिन का कलर रेडिश होने लग जाता है। इसके अलावा यूरिन का स्मेल काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाता है और यूरिन दिखने में क्लाउडी हो जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किडनी इन्फेक्शन होने का। तो बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक में एंटर होता है और वहाँ पर मल्टीप्लाई होने लग जाता है, उसके बाद वो किडनी को इन्फेक्ट करने लग जाता है। तो अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो फीमेल रिस्क में रहती है क्योंकि जो उनका यूरेथ्रा होता है वो मेल की कंपैरिजन में शॉर्ट होता है, तो बैक्टीरिया के लिए काफ़ी इजी हो जाता है वहाँ पे मल्टीप्लाई होना और ट्रैवल करना। सेकेंड रिस्क फैक्टर है जो लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वाले लोग या फिर जिनको HIV है। इसके अलावा अगर कैथेटर का यूज़ किया जाता है तो उसके बाद भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कैंथेरिस 30, एपिस मेलिफिका 30, स्टेफिसेग्रिया 30 या फिर आप सारसा परीला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन किडनी इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे किसी प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।